वेलकम बैक टू फिस्ट्री विद मी टूगैदर वी विल मेक थिंग्स सिंपल इन टूडेज़ वीडियो वी गो टॉक अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल स्लाइड्स के थ्रू हम कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने इकोनमिक्स कवर किया ट्रेनिंग मैथड्स कवर किया एंड हियर इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में क्या है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है इसका कंसेप्ट किस तरीके से हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेज़ल को सो विल लुक इन टू इट एंड विल अंडरस्टैंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज लेक्चर्स दीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सो लेट स्टार्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल नोट्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि कहीं और जाने की ज़रूरत आपको ना पड़े अब सिर्फ नोट्स को लेके भी चलेंगे दिमाग में रखेंगे और फिर एग्जाम देने जाएंगे तो सब कुछ क्लियर होगा बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ इस वीडियो से लेके चले अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो से मिल रही है नोट्स के लिए यू कैन रेफर टू एनी अदर आर्टिकल बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास इफ आपको अंडरस्टैंडिंग कहीं और से मिली है नोट्स यहाँ के अच्छे लग रहे हैं यू कैन टेक नोट्स फ्रॉम हियर बट वॉट एवर इट इज़ कुछ आप जरूर लेके जाएंगे सो लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफरेजर नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द फर्स्ट पॉइंट व वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन रीड हर इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर इंप्लॉयी इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम कर रहा है लोग काम कर रहे हैं ह्यूम्स आर वर्किंग दर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लॉयिज इन द फॉर्म ऑफ वर्कर्स तो जो लोग काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी अहमियत बहुत होती है लाइक वी कांट इवन थिंक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर देर आर नो ह्यूमन्स इन द फॉर्म ऑफ वर्कर्स इवन टू वर्क ऑन मशीन्स यू नीड ह्यूमन्स टू मेक दोज मशीन्स वर्क दैट्स हाउ इम्प्लॉयज ऑफ वर्कर्स आर दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ह्यूमन्स आर सो उन एम्प्लॉइज़ के बारे में समझना ज़रूरी है अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाना है आज के टाइम पे अगर हम देखें इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और उन कंपनी के लिए रिस्पेक्टिव एचआर डिपार्टमेंट्स हैं जस्ट टू इंश्योर कि लोगों की नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं लोग, लोगों के फीडबैक्स लोगों को फीडबैक्स दिए जा रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं Just to manage the human resource in the organization, we have human resource department. We have human resource management in the organization, who is working for the development of the people in the organization, the employees in the organization. So it's really very important that we should be, as an organization, we should be aware about who are our employees. ओके सो द वे दे आर डूइंग देयर वर्क इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझे कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके काम करने का तरीका क्या है क्या वो चीज़ है जो उनको मोटिवेट करती है मोटिवेट इस सेंस में नहीं कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म में कि विल गिव देम एक्स्ट्रा मनी एंड देल बी सेटिस्फाइड बाई इट दे बी सेटिसफाइड बाई इट बट कुछ और चीज़ें भी होती हैं मोर देन दीज मोनिट्री सेटिसफैक्शन मेंटल सेटिस्फैक्शन जो होता है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म में सेटिस्फाइड रखता है एम्प्लॉयज़ को वो अचीव कर पाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन उन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की मदद से हेल्प से लोगों को समझे पहले एम्प्लॉय को समझे पहले सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट योर एम्प्लॉई आई नो हम कुछ ज़्यादा डीप चले गए कम बैक टू द टॉपिक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट यूर एम्प्लॉय इन एन ऑर्गनाइजेशन द वे दे आर डूइंग देयर वर्क द एवरेज टाइम दे आर टेकिंग इन ऑर्डर टू कम्प्लीट देयर डेली टास्क और एक्टिविटीज थिंग्स विच कैन बी इम्प्रूव्ड और टेक इन केयर ऑफ तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अपनी एम्प्लॉय के बारे में कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं कितना समय कि वो लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी को करने में वो एवरेज टाइम क्या है जो वो ले रहे हैं काम को कम्प्लीट करने में कौन सी वो चीजें हैं जो वो थोड़े क्रिएटिव वे में कर सकते हैं जो अभी फिलहाल वो एक एक तरीके से कर रहे हैं उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है किन चीजों का ख्याल रखा जा सकता है किस तरीके से वर्कफोर्स फोर्स उनके लिए इंप्रूव किया जा सकता है ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एम्प्लॉय के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के सो नाउ फॉर दिस वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन दर्गेनाइजेशन एंड फॉर दिस ओनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का कॉन्सेप्ट है जब हम ये सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉय के बारे में समझ जाते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं कितना टाइम उनको लगता है किसी काम को करने में एक्टिविटीज़ अपने डेली टास्क एक्टिविटीज़ को करने में क्या वो इम्प्रूव कर सकते हैं किस तरीके से वो अभी कर रहे हैं क्या वो कंडीशंस जो उनको दी गई है उनका ध्यान रख रहे हैं किस तरीके से वो यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को किस तरीके से वो यूटिलाइज कर रहे हैं वर्क फोर्स को ये सब जब हम समझ जाते हैं तब वहां पर एक कंसेप्ट हम लेके आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑर्गेनाइजेशन में अब क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल समझते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस विच ऑर्गेनाइजेशन यूज टू एक्सेस एंड इवेलुएट एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एम्प्लॉय को हम रिक्रूट करके छोड़ दें वो काम अपने अपने हिसाब से कर रहा है भाई चाहे हमें प्रॉफिट उस बंदे से मिल रहा हो या ना हो अपने हिसाब से वो काम कर रहा है उसको दिए हमने सौ टास्क हैं वो कर रहा है सिर्फ दस टास्क एंड uh, हम कुछ सोच भी नहीं है उनका ठीक है काम हमने रिक्रूट कर लिया अब उसको जिस हिसाब से काम करना है करने दो तो ऐसा नहीं होता है जब हम किसी बंदे को रिक्रूट करते हैं उसको ट्रेन करके हम उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्टेशन रखता है ब्रॉडर सेंस में ऑर्गेनाइजेशन ही रख रहा है बट अगर और नीचे चले माइक्रोस्कोप से देखें तो मैनेजर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जिसके अंडर वो काम कर रहा है वो उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है क्योंकि मैनेजर्स से भी एक्सपेक्टेशंस रखने वाले लोग हैं ऊपर टॉप मैनेजमेंट में सो so, अब ज़रूरी यही है कि भाई इम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मापा जाए टाइम टू टाइम समझा जाए किस तरीके से वो काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है उसको इवेलुएट किया जाए उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट की जाए फॉर दैट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीज़ हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वही चीज़ है परफॉर्मेंस अप्रेजल सॉरी तो ये एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है टू एक्सेस एंड इवेलुएट एंड एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इस इस प्रोसेस की मदद से इंप्लॉय की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को एक्सेस या इवेलुएट करती है नाउ वंस दिस परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड इट नाउ बिकम्स अ बेसिस फॉर सो मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक इन यूजिंग लाइक यूजिंग दो इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है उस एम्प्लॉय के बारे में वंस यू इवेलुएटेड दैट एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी फीडबैक का जरिया मिल जाता है कि आप उनको फीडबैक दे सकते हो जहाँ कमियाँ हैं उनको सुधारने के लिए आप उनको पॉइंट्स दे सकते हो कि भाई इस प्लेस पे अब आप अपने आप को सुधार सकते हो सो वंस दिस परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड इट बिकम्स अ बेसिस फॉर सो मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक इट बिकम्स अ बेसिस फॉर फीडबैक इट बिकम्स अ बेसिस फॉर मेजरिंग दी परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी सेट स्टैंडर्ड्स जैसा कि मैंने कहा कि भाई हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी जहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं वहाँ पर हम फिर देखने लगते हैं कि रिजल्ट क्या है एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट्स हमेशा साथ बाई साथ चलते हैं जहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं वहाँ पर हम सोचते हैं कि भाई रिजल्ट भी हमें उन सेट एक्सपेक्टेशन्स के हिसाब से मिले अब कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होंगे So we'll measure performance now against those set standards in the initial statements at So it becomes a basis for that also. It becomes a basis for identifying areas of improvement where we can improve. That's how the organizations work. That's how they can improve their system, their departments. So the identifying the areas of improvement and development. So it becomes a basis for so many things, so many important things like feedback, measuring performance against. सेट स्टैंड एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड डिवेलपमेंट सो आई होप आपको एक क्लैरिटी जो है वो इस टॉपिक की रिगार्डिंग मिल गई होगी रिगार्डिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ना यू कैन रीड एनी आर्टिकल एन यू बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम आई होप आपको क्लैरिटी मिली है कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं द वे यू आर सपोर्टिंग सपोर्ट करते रहें थैंक यू सो मच विल सीन द नेक्स्ट वीडियो Keep studying. Take care.